रखा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शेजवान। यहाँ मुझे आलू बॉईल करने हैं, तो बस मैंने इसको क्यूब्स में काटा है ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमें इसमें नमक ऐड करना है। मैं डाल रही हूँ कहीं से ना मैं जल जाऊँ, तो मैं थोड़ा आराम से डालूँगी। फिर मैंने इसको इसकी मदद से पानी में डाल दिया। और 3 आलू लिए थे मैंने, 3 आलू लिए थे मैंने इसके अंदर। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैं यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। आलू चेक कर लेते हैं कि वो बॉइल्ड हुए हैं या नहीं। आलू थोड़ा सा भी और पकने देते हैं इसको। आलू बॉइल्ड हो चुके हैं, इसी के साथ इसका चूल्हा करते हैं बंद। और गरम गरम में ही हम आलू को तोड़ लेते हैं। मैं मैश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आलू मैश हो चुके हैं, अब इसको थोड़ा ठंडा करने रख देंगे। आलू ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमें बाइंड करने के लिए डालना है ताकि इसमें अच्छा सा बाइंड आ सके। फिर हम इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर लचक आ सके। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा हो गया। अब हमें इसमें देनी है शेप, आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। मैं जो दूंगी वो आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके से कर, पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसे इसके अंदर डालूँगी। हमें चम्मच नहीं चलाना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी जब ये रेडी हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये स्विमिंग करते हुए ऊपर आ चुकी हैं। बस जो जो ऊपर आने लगेंगी, जो कुक हो जाएंगी वो ऊपर आ जाएंगी, तो हम उसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हमें इसको फ़ौरन से ठंडे पानी में डालना है ताकि अपनी कुकिंग कम कर सकें और ज़्यादा ओवर कुक ना हो। इस ठंडे पानी से हाथ की मदद से निकालना है अब, ताकि ये टूटे नहीं। देख सकते हैं आप लोग, हमने डाल ली है। अब बस सॉस रेडी करना है। शेजवान चिली पोटैटोज़ का सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए गोल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए सौंफ, बादियानी का फूल, 2 लौंग और 1 छोटा सा पीस दालचीनी का, और 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं, 1 इंच हमने इसमें अदरक ली है, 4 लहसुन के जवे लिए हैं। और बस इसमें पानी में हमें बॉईल करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। जब मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर मैं इसे ब्लेंडर करूँगी। यहाँ पे ये मिर्चें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब बस इसको थोड़ा सा ठंडा कर यहाँ सॉस रेडी हो चुका है। मैंने पैन लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और स्पून जो है लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन की हमें थोड़ी ज़्यादा मिकदार है, 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं अदरक। इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लाल प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे। इसमें करना है वो पेस्ट जो हमने बनाया था, चिली सॉस और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैं करूँगी थोड़ा सा नमक ऐड,
उसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे ताकि बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पर। ये इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, अब हमें इसके अंदर ऐड करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पोटैटोज ताकि इसके अंदर एक दो मिनट तो शेज़वान चिली पोटैटोज रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। रमेशा लाफिस कर दें, रमेशा ने आज मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। रमेशा लाफिस, टाटा रमेशा टाटा, यस लाफिस एवरीवन।